मैं उस कुलकर्णी को मारने वाला हूँ। नहीं मार पाओगे। क्यों? वो पहले ही मर चुका है। मर गया है? तुमने ही तो उसे मारा है। मैंने कब मारा उसको? मारा है काशी ने, और पाप जी के कहने पर, यानी तुम। नाम तो मैच हो रहा है लेकिन सीन मैच नहीं हो रहा है भाई। तू अपना मुंह बंद रख टकले। ए, ये क्या बोल रही हो? अगर काशी ने कुलकर्णी को मारा तो फिर कुलकर्णी काशी को कैसे मारेगा? इंसान की मौत होती है, आत्मा की नहीं। ये सब आत्मा कर रही है। आत्मा? 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 हे भगवान। भाई मेरी बीवी ने फिश करी बनाई है, मैं घर पे जाऊँ? ये सच, ये सब आत्मा ही कर रही है। आत्मा नहीं सर, भ्रम है। ये कौन है बे? उस कुलकर्णी का सिम कार्ड इसी के नाम पर है भाई। क्यों बे, तू कुलकर्णी का दोस्त है? नहीं सर, गौतम का दोस्त हूँ। तो फिर कुलकर्णी कौन है? वो गौतम का दोस्त है। मतलब तुम सब दोस्त हो ना? वो क्या है सर, मैं दिखने वाला दोस्त हूँ, वो ना दिखने वाला दोस्त है। ये क्या भौंक रहा है तू? मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ सर। ये मैं हूँ, ये आप है, ये काशी है सर, और ये गौतम है सर। तो कुलकर्णी? कुलकर्णी है ही नहीं सर। तो मुझे सबके बारे में बता रहा लेकिन कुलकर्णी के बारे में क्यों नहीं बता रहा भाई? उसने मेरे आदमियों को क्यों मारा ये बता, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। उसने मतलब कौन सर, कुलकर्णी या गौतम? अरे कुलकर्णी बे, कुलकर्णी कैसे मारेगा? असल मैटर ये है कि कुलकर्णी ने मारने को बोला तो गौतम ने काशी को मारा, और नाम बताया कुलकर्णी का। मतलब वो क्या है कि काशी को मारने वाला कुलकर्णी है लेकिन हम गौतम को ढूंढ रहे हैं सर। अरे ये क्या बक रहा है तू? आपको समझ नहीं आया? चलिए फिर से क्लियर करता हूँ, जो काशी मर गया वो अब जिंदा नहीं होगा। कुलकर्णी को मरना चाहते वो पहले ही मर चुका है। और आप एक बात सुन लीजिए, मुझे मार कर फायदा ही नहीं है। ये बात समझे बिना आप मुझे उठा कर ले आए। कुलकर्णी का है, कुलकर्णी का है। अरे मैं कहाँ से लाऊंगा कुलकर्णी को? क्या बात कर रहा है तू, सारा नशा उतार दिया तू, वापस पी ले टकले। ये सब गौतम का भ्रम है। नहीं आत्मा है। नहीं भ्रम है, आत्मा। भ्रम है। अरे लड़ाई बंद करो, क्या परेशानी है? तुम दोनों मियां बीवी के जैसे क्यों झगड़ा कर रहे हो? अच्छा मान लेता हूँ कि कुलकर्णी एक आत्मा है या फिर एक भ्रम है, फिर भी वो कुलकर्णी बार बार हमें क्यों दिखाई देता है बताओ? तुम्हें दिखाई दे रहा है? जरा दिखा तो। है चल दिखा। हाँ आँख खोल के देखो, ये गौतम है वे टकले। उसकी जब से आंखें आई है तब से कुलकर्णी दिख रहा है, तुम सबको मार दूंगा यही बोलता है। वो सच नहीं है, ये सच है। ए, तू चुप रह। मतलब गौतम किससे पहले आंखें नहीं थी क्या? नहीं सर, वो बचपन से शारदा देवी ब्लाइंड स्कूल में पढ़ा है सर। कौन सा स्कूल? शारदा देवी ब्लाइंड स्कूल। हम शारदा देवी ब्लाइंड स्कूल में रहते हैं अंकल। 15 साल पहले मैंने उसके दोस्तों को मारा था और इसलिए मुझको मारने के लिए उसने इतना बड़ा प्लान बनाया। तुम्हारे दोस्त ने मुझसे बहुत भीख मांगी, तुम्हें देखना चाहते थे मगर मैंने उन्हें जान ही नहीं दिया। तुम लोगों को अलग करके बहुत बड़ी गलती की मैंने, अभी मैं तुझे भी उनके पास भेज देता हूँ, वो लोग भी हैप्पी, तू भी हैप्पी। तेरी दोस्त दिव्या कैसे मारा था उसे पता है? ये देख, ऐसे ऐसे उसकी गर्दन को पकड़ कर। ऐसे मरोड़ दिया था जैसे मुर्गी की गर्दन को मरोड़ते हैं। अरे ये अंधेरे में क्या चल रहा है टकले? जैसे मगरमच्छ की ताकत पानी में होती है वैसे इसके अंधेरे में है। Oh!
भाई मेरे बच्चे का ट्यूशन से छूटने का टाइम हो गया है, मैं जाऊँ क्या? फोन निकाल भाई और एक एक करके अपने सब आदमियों को फोन कर। ठीक है भाई। फोन उठाने में इतना टाइम क्यों लगाया? बाप रे, ये तो गया। ये मुझे क्यों फोन कर रहा है? कहाँ है तू? कहाँ है तू? मैं तुझे मार दूँगा। मार दूँगा मैं तुझे। कहाँ है तू? कहाँ है तू? कहाँ है? बता कहाँ है? मेरे दोस्तों ने भी ऐसी भीख मांगी थी ना तुझसे? हम अंधेरे में ही पैदा हुए थे, अंधेरे में ही खाया था, अंधेरे में ही घूमे थे, कभी ना कभी इस दुनिया को देखेंगे ऐसा सोच रहे थे। नहीं, नहीं। इस दुनिया में तुझ जैसे नीच कमीने कुत्ते होते ये पहले से ही पता होता तो हम कभी आंखें नहीं लगवाते, उसी अंधेरे में रह जाते। आंखें मिलने के बाद वो मुझे देखना चाहते थे। वो लोग मुझे कितना चाहते थे वो तूने देखा है, तो उन्हें भी मैं कितना चाहता हूँ ये भी देख ले। आप कुछ भी बोलो, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा कुलकर्णी, मैं नहीं मार पाऊंगा। तू किससे बात कर रहा है उधर? नहीं सर, प्लीज सर, मैं नहीं मार पाऊंगा। मेरे पास सुन, कुलकर्णी जो बोल रहा हूँ कर दे। नहीं सर, बाकी मैं संभाल लूंगा। आखिर तुमने मुझे खूनी बना ही दिया, अब खुश हो ना? सर मुझे अरेस्ट कर लीजिए प्लीज सर। तुम चुप करो, तुम्हारी कोई गलती नहीं। वो कुलकर्णी की आत्मा कहाँ है मुझे बताओ। मुझसे भी बड़ा बकरा है ये। ए, कुलकर्णी, काम हो गया ना? चलो जाओ अभी यहाँ से। जाओ। मेरे दामाद को परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। जाते हो कि नहीं? जाओ नहीं तो शूट कर दूंगा। सर देखिए ना, कुलकर्णी जा रहे हैं, देखिए ना उन्हें कितना दुख हो रहा है। सर वो मदद के लिए थैंक्स बोल रहे हैं। सर 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 उन्हें बाय कीजिए सर। बाय बाय कुलकर्णी जी, बाय बाय। कोई आपा नहीं है सर। अरे बाय कीजिए ना सर, बाय करो, बाय 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 टाटा। आखिरकार तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया दोस्त। मैंने बहुत देखे,